हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है हमारे बीएच डिजाइन में। साथियों देखिए, आज मैंने बात करेंगे बहुत ही बड़ा प्लान के बारे में, क्योंकि साथियों इस प्लान में आप लोग आज कुछ नया देखेंगे। क्योंकि इसमें जो प्लान बनाया गया है ये सिटी का घर है। इसमें साथियों कभी भी पार्किंग एरिया छोड़कर ही घर बनाया जाता है, तो क्योंकि सिटी में अवेलेबल जमीन उतना नहीं होता है, इसीलिए हम लोग ने क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर को पार्किंग एरिया के रूप में टोटल छोड़ देते हैं और फर्स्ट फ्लोर से हमारा प्लान स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ देखिए, ये हमारा हुआ ग्राउंड फ्लोर का ये प्लान है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें साथियों देखिए, ये पूरा हॉल पार्किंग एरिया छोड़ा गया है। एक जैसे ये दो भाई हैं, उन दोनों के लिए घर का डिजाइन किया गया है। 3 BHK का एक का है, 3 BHK का एक का है, इन दोनों का 3 BHK 3 BHK का बनाया गया है। तो देखिए, इनका ये पार्किंग एरिया ये छोड़ा गया इस साइड और इनका ये छोड़ा गया है। हमारा जो फ्रंट है घर का, इस साइड से हमारा घर में एंट्री हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। ये टोटल हमारा रैंप दिया गया है गाड़ी चढ़ाने के लिए इधर से इधर, और यहाँ पे हमारा पार्किंग एरिया छोड़ के जस्ट यहीं से हमारा स्टेप बना हुआ है। उसके बाद यहाँ से हमारा स्टेयर स्टार्ट हो रहा है। इस स्टेयर के स्टार्ट होने के बाद साथियों, ये हमारा लेवल यहाँ पर मिलेगा 3 फीट 6 इंच, यानी इससे ये 3 फीट 6 इंच की हाइट पे है। ये जो रहेगा साथियों, ये हमारा 2 फीट के हाइट पे रहेगा, जो नॉर्मल जमीन से 2 फीट के हाइट पे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी 2 फीट के हाइट पे रहेगा। इस प्रकार साथियों, इस स्टेयर के थ्रू जैसे ही आप लोग जाइएगा तो फर्स्ट फ्लोर में एंट्री होता है। और स्टेयर में आप लोग देख सकते हैं, ये 5 मंजिल का घर है। तो मैं अभी तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का नक्शा डिजाइन किया गया है। इसमें देखिए, ये लिफ्ट का साइज यहाँ दिया गया है 6 फीट बाई 5 फीट का, ये लिफ्ट का साइज है। और यहाँ टॉयलेट एक नीचे दिया गया है ग्राउंड फ्लोर में, टॉयलेट का देख सकते हैं 4 फीट 6 इंच बाई 5 फीट 4.5 इंच का ये टॉयलेट दिया गया है। अब आइए बात करते हैं कि साथियों हमारा फर्स्ट फ्लोर के प्लान के बारे में। देखिए, ये फर्स्ट फ्लोर का ये वर्किंग प्लान है हमारा, इसके बारे में आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूंगा काफी डिटेल में, काफी अच्छे से। इसलिए साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक चीज आप लोग को काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखिए साथियों, अभी तो मैं बताया आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर के बारे में। जैसे आप लोग इस स्टेयर के थ्रू जैसे आप लोग ऊपर आते हैं, तो जब ऊपर आइएगा साथियों, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लोर नजर आएगा। तो देखिए, यहाँ से साथियों यहाँ पे एक पार्टीशन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे बीच में ही देखिए, ये हमारा पार्टीशन बनाया गया है। इसी सीढ़ी से ये वाले एक ड्रॉइंग रूम है, इधर भी एक ड्रॉइंग रूम है। आप पहले मैं एक राइट हैंड के बारे में बात करूंगा, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड के बारे में बात करूंगा। तो साथियों यहीं से जस्ट हमारे इसमें आते हैं ड्रॉइंग रूम में। ये जैसे यहाँ पे इस सीढ़ी के बाद ड्राइंग रूम में आप आइएगा, यहाँ देख सकते हैं ये हमारा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम के साइज क्या है, तो 19 फीट बाई 10 फीट का ड्राइंग रूम का ये साइज रखा गया। 19 फीट लंबाई है, 10 फीट इसकी चौड़ाई रखा गया है। और साथ ही इसमें हमारा LCD यूनिट यहाँ फिट किया गया है, यहाँ बगल में कपबोर्ड दे दिया गया है, काफी अच्छा यहाँ पे बना हुआ है। और साथ ही ड्राइंग रूम से डायरेक्ट ये खुला हुआ, जैसे जहां जहाँ ये कटआउट है, इसका मतलब ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ भाग बिल्कुल खुला हुआ है, कोई किसी भी प्रकार का यहाँ पे दरवाजा नहीं लगेगा। तो इसमें एक डाइनिंग रूम यहाँ दिया गया है, थोड़ा अंदर करके यहाँ पे एक बेसिन लगाया गया है डाइनिंग रूम में, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ खाना खाना पीना खा के यहाँ धोने होने के लिए। और साथियों यहाँ से आप देख सकते हैं कि इधर भी हमारा बिल्कुल खुला ओपन एरिया है, इधर भी ओपन एरिया है, एक प्रकार का ये मॉड्यूलर किचन बनाया गया है। क्योंकि साथियों पहले क्या होता था, जब किचन बनाते थे तो उसको हमने दरवाजा देते थे, लेकिन इस समय अधिकांश किचन में दरवाजा नहीं दिया जा रहा है, तो मॉड्यूलर किचन डिजाइन किया गया है। और इसमें एक देख सकते हैं बेसिन वेसिन लगाया गया है काफी अच्छे से, और यहाँ पे हमारा गैस सिलेंडर भी क्या जगह छोड़ा गया है। और साथियों जैसे यहाँ से डाइनिंग रूम से देखिए, यहाँ पे सामने एक हमारा बेडरूम आपको नजर आ रहा है, इसमें यहीं से हमारा दरवाजा दिया गया इस बेडरूम में जाने के लिए। जैसे यहाँ से आप बेडरूम में आइएगा, तो यहाँ पे देखिए LCD भी लगा हुआ है, हर बेडरूम में मिलेगा आपको, और एक कपबोर्ड भी मिलेगा हर बेडरूम में। और साथियों इसी का अटैच, इस बेडरूम का अटैच हमारा एक टॉयलेट बाथरूम मिलेगा, आप यहाँ देख सकते हैं, जिसका साइज हमारा 5 फीट 6 इंच बाई 8 फीट 1.5 इंच का साइज रखा गया है। और साथियों यहाँ पे 3 बल्ब दिया गया है, बेसिन दिया गया है, यहाँ पे हमारा पेन दिया गया है, इसका साइज देख सकते हैं बेडरूम का 11 फीट 6 इंच बाई 11 फीट 6 इंच का बेडरूम का ये साइज रखा गया है। और जैसे थोड़ा सा आप लोग अंदर आते थे, कॉर्नर में एक हमारा बेडरूम मिलेगा, इसका साइज देख सकते हैं आप साथियों 12 फीट 9 इंच बाई 14 फीट 6 इंच का इसका साइज है। साथियों यहाँ से यहाँ तक पूरा कपबोर्ड दिया गया है साइड में, आप यहाँ देख सकते हैं, और इसमें 2 विंडो दिया गया है। यहाँ देखिए WW 4 4 फीट का ये विंडो दिया गया है, हाइट भी 4 फीट का है। और थोड़ा सा जैसे ये ओपन एरिया है आप लोग, तो इस ओपन एरिया में से ही इस बेडरूम के लिए टॉयलेट ये दिया गया है, टॉयलेट बाथरूम, इसका साइज देख सकते हैं 5 फीट 5 फीट 10.5 इंच बाई 6 फीट 10.5 इंच का साइज रखा गया है।
और साथियों इतना बड़ा बिल्डिंग है तो शाफ्ट देना जरूरी है, इसलिए मैंने एक यहाँ शाफ्ट प्रोवाइड किया, एक यहाँ है, एक यहाँ, इतना शाफ्ट इस बिल्डिंग में प्रोवाइड किया गया है। इस प्रकार साथियों ये बेडरूम में आइएगा तो 12 फीट 9 इंच बाई 14 फीट 6 इंच का है। इसमें अटैच एक ड्रेसिंग रूम है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बगल में इनका कबोर्ड दिया गया है। ड्रेसिंग रूम का साइज 8 फीट बाई 4 फीट 6 इंच का ही रखा गया है, 8 फीट लंबाई है, 4 फीट 6 इंच की चौड़ाई है। और यहीं से हमारा जस्ट हमारा टॉयलेट बाथरूम, यानी इस बेडरूम के लिए टॉयलेट बाथरूम ये है, जिसका साइज हमारा 8 फीट बाई 6 फीट 4.5 इंच का रखा गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। और साथियों ये हुआ हमारा एक भाई के लिए जो राइट हैंड में है, और लेफ्ट हैंड के बारे में बात करें तो साथियों जस्ट यहीं से भी लेफ्ट हैंड में आने के लिए सेम दरवाजा, जो दरवाजा यहाँ है वही दरवाजा भी यहाँ प्रोवाइड किया गया है। तो आइए देखते हैं, ड्रॉइंग रूम मिलता है आपको, तो इसकी साइज 19 फीट बाई 10 फीट 6 इंच का इसकी साइज प्रोवाइड किया गया है। यहाँ भी एक हमारा यूनिट LCD लगाया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पे कबोर्ड एक छोटा सा दिया गया है। और साथियों इसी में यहाँ भी ओपन एरिया में डाइनिंग हॉल है, सेम टू सेम वैसे ही डाइनिंग एरिया बनाया गया है, और इसी डाइनिंग एरिया से ही हमारा किचन भी मॉडुलर किचन ओपन बनाया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसी डाइनिंग एरिया से ही हमारे एक कोने में एक बेडरूम दिया गया है, जिसका साइज 11 फीट बाई 14 फीट 6 इंच का रखा गया है, और इसमें भी एक LCD लगाया गया है। LCD साथियों और कपबोर्ड इसे प्रोवाइड किया गया, आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा कपबोर्ड हो गया। और बात करेंगे कि ये जो आप लोग को नजर आ रहा है इस साइड में, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक बॉल्कनी दिया गया है, जिसकी बॉल्कनी है साथियों 3 फीट 7.5 इंची चौड़ाई का ये बॉल्कनी है। तो यहाँ से देखिए इनके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा बॉल्कनी दिया गया, और इनके लिए यहाँ से यहाँ तक का बॉल्कनी प्रोवाइड कराया गया है। और साथियों बात करें थोड़ा सा और रिटर्न, आप लोग थोड़ा जाइएगा पीछे तो देखिए यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम नहीं है, इनका टॉयलेट बाथरूम डायरेक्ट यहाँ पे अटैच करके यहाँ ड्राइंग रूम से आपका यहाँ प्रोवाइड किया गया है। ये देखिए ये इनका टॉयलेट बाथरूम है साथियों, क्योंकि दो बेडरूम के लिए एक है, एक बेडरूम जो यहाँ पे है उसके लिए अटैच बनाया गया है। अब मैं बताऊंगा, देखिए इस बेडरूम का आप लोग हम लोग टोटल समझ गए। अब फिर से डाइनिंग एरिया में रिटर्न आते हैं, तो डाइनिंग में रिटर्न आने साथ ही फ्रंट में ही एक बेडरूम मिलेगा आपको। जैसे यहाँ दरवाजा दिया गया है, इस दरवाजे के थ्रू आइएगा तो एक बेडरूम है ये। इस बेडरूम का साइज 11 फीट 4.5 इंच बाई 14 फीट का ये रखा गया है, इसमें भी LCD लगा हुआ है। इसके थ्रू साथियों बाहर तक देखिए, ये हमारा आगे साइड में एक बालकनी दिया हुआ है इस बेडरूम का, आप यहाँ देख सकते हैं जाने के लिए। और बात करेंगे कि फिर से रिटर्न जब आइएगा तो एक कोने में एक बेडरूम मिलेगा आपको, ये वाला ये बेडरूम, इसके साथ 17 फीट 4.5 इंच बाई 14 फीट 6 इंच का ये है। इसमें हमारे LCD यूनिट यहाँ प्रोवाइड किया गया है, आप यहाँ देखते हैं, और इसी में कपबोर्ड भी दिया गया है, और इसी से डायरेक्ट हमारा बालकोनी अटैच है यहाँ से, जिसमें दरवाजा दिया गया है बालकोनी में जाने के लिए। बालकोनी की साइज यहाँ देख सकते हैं 3 फीट 6 इंच बाहर से, कॉलम के बाहर से डायरेक्ट वॉल का बाहर से 3 फीट 6 इंच का रखा गया है। और साथियों इसी बेडरूम से अटैच आपको मिलेगा टॉयलेट, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा ड्रेसिंग रूम है, जिसमें आर्च प्रकार का कटिंग ये छोड़ा गया है। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया गया है आर्च, आर्च कटिंग ये छोड़ा गया है। तो इस आर्च के थ्रू जैसे ही आप लोग अंदर आए थे, कपबोर्ड मिलता है, यानी ड्रेसिंग रूम एक प्रकार से बोल सकते हैं आप लोग। और साथियों इसी ड्रेसिंग रूम से हमारा डायरेक्ट टॉयलेट बाथरूम में जाने के लिए यहाँ पे दरवाजा दिया गया है, जिसके थ्रू आप टॉयलेट बाथरूम में जा सकते हैं। और इसका साइज देख सकते हैं 9 फीट 6 इंच बाई 6 फीट 3 इंच का इसका साइज रखा गया है। और साथियों यहाँ भी एक शाफ्ट प्रोवाइड कराया गया है, और ये जो है हमारा, ये है हमारा बहुत स्टीम ये बनाया गया है। इस प्रकार साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का ये प्लान अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्लान के साथ, नए डिजाइन के साथ, नए एलिवेशन के साथ। अगर आपको भी बनवाना है तो आप लोग कमेंट करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।